Hello students, in previous part we have studied about different on the basis of pH. What is pH? Power of hydrogen or potential of hydrogen. On the basis of pH we can determine which type of solution is acidic, basic or neutral. Now in this part we will study how the pH is useful or important for us. Yeah, what is the role of pH in our everyday life? Role of pH in everyday life. उसी में सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रोल ऑफ पीएच, या कह सकते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम. In human being, it can be survive on a lower range of pH, that is 7.0 to 7.8. तो ये human being के अंदर digestive system के अंदर जो pH value है वो कितनी है? 0.7.0 से लेकर के 7.8. Merely fractions. In human being, the pH is In digestive system, is 7.0 to 7.8. A normal human being can survive a merely fraction of pH. Can survive on the narrow range of pH, यानी इतने लोअर रेंज के पीएच पे भी अपने ह्यूमन बींग अपने आपको सर्वाइव कर लेते हैं. सेम इसी प्रकार से इफ द पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स रिड्यूस कितना 5.6 से या 5.5 से लेस हो जाता है, 5.6 से लेस हो जाता है, इस टाइप की रेन को क्या बोलते हैं? एसिड रेन. इफ द पीएच ऑफ रेन वाटर लोअर देन 5.6, यदि रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से लेस हो जाती है, दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन. दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन और एसिड रेन भी बोलते हैं इसको. व्हाट इज एसिड रेन? व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर रिड्यूसेस 5.6, देन दिस टाइप ऑफ water becomes acidic and rain is called acid rain. And when this acidic water, यानी जब acid rain का जो water है दूसरे water bodies के अंदर मिलता है तो उसके pH भी lower कर देता है. That is very difficult to survive for the aquatic life. And when this acidic water mixed with other water bodies which reduces the pH of the water, यानी यही water जो acidic होता है दूसरे water body में जाके मिलता है तो उसके water की भी pH lower कर देता है. And in this condition that is very difficult to survive for aquatic life. क्लियर? इसी प्रकार से हमारे अर्थ पे नहीं,
अदर प्लेनेट भी हैं जहां पर एसिड बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, उस प्लेनेट का नाम है विनस। विनस के ऊपर जो क्लाउड्स हैं, विनस प्लेनेट के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वहां पर व्हाइट और येलो इस कलर के, कारण क्या है, उन क्लाउड्स के अंदर मैक्सिमम 95-97% सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंट होता है। एसिड ऑन अदर प्लेनेट, एसिड दूसरे प्लेनेट पे भी प्रेजेंट है, उन्हीं में से एग्जांपल है विनस। ऑन द लैंड ऑफ विनस देयर इज वेरी एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रेजेंट द क्लाउड्स ऑफ दिस प्लेनेट आर व्हाइट और येलोइश इन कलर। किसके कारण से, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट कितना 95-97% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पीएच ऑफ आवर सराउंडिंग एरिया सोइल, हमारे सराउंडिंग एरिया की पीएच किस प्रकार से, कितनी पीएच वैल्यू है सराउंडिंग एरिया सोइल की, और कैसे, हाउ वी कैन डिटेक्ट, और कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। पीएच ऑफ द सोइल, पीएच ऑफ द सोइल, soil plays very important role in growing plants and provide habitat to thousands of microorganisms. pH of soil is also important for growing the plants. Plants को grow करने के लिए soil की pH भी important होती है, ज्यादा acidic भी नहीं चाहिए, ज्यादा basic भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी neutral और थोड़ी slightly basic होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब basic size में। तो how we can detect the pH of soil, तो यही थी। Therefore, the pH of soil is important for surviving the plants. We can detect the pH of soil by the following methods. Methods कैसे, और जो surrounding area में soil उसके following methods द्वारा हम pH scale ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, take a vessel, एक बर्तन लीजिए, फिल हाफ फिल विद वाटर एंड मिक्स सम सोयल सैंपल्स,
अब आपके सैंपल जो सोयल सराउंडिंग एरिया के हैं, स्ट्रीट की हो सकती है, गार्डन की हो सकती है, फील्ड की हो सकती है, कहाँ की रोड साइड हो सकती है, जहां की आपने सोयल के सैंपल लेने हैं, उस हाफ फिल्ड वाटर जो वेसल है उसमें आप मिक्स कर दीजिए एंड स्टीर इट कंप्लीटली और फॉर सम टाइम, स्टीर इट कंप्लीटली और फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसको अच्छी प्रकार से हिलाइए। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन। अब आपने जो सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस सोयल का जो सॉल्यूशन मिलाया था उसको फिल्टर कर लीजिए एंड पुट वन और टू ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन सैंपल ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब जो एसिड और बेस का डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं उस यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस पेपर है उसके ऊपर आप इसको डालिए एक दो बूंद के लिए। अब उसका कलर चेक कर लीजिए एंड काउंट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, चेक द कलर ऑफ द इंडिकेटर। यूनिवर्सल पेपर भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कह सकते हैं एंड मैच विद द पीएच वैल्यू। जो कलर जैसा हुआ है, सपोज कीजिए रेडिश कलर होगी तो इसका मतलब एसिडिक है, स्लाइटली स्काई कलर की है तो इसका मतलब तो बेसिक है, ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर का इसका मतलब बेसिक स्लाइटली डार्क बेस ब्लू है तो इसका मतलब फुली बेसिक है और बेस सॉलिड जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको क्या बोलते हैं एल्काली बोलते हैं। तो पीएच से मैच कर दीजिए, यू कैन डिटेक्ट द पीएच ऑफ द सोइल। नेक्स्ट वन इज टूथ डिके। हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 6 के बीच में, मतलब 5.6 से लेकर के और 6 के बीच में है, लेकिन यदि यही पीएच वैल्यू 5.5 से लेस होनी शुरू हो जाती है तो टूथ डिके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है, हमारे टूथ के ऊपर एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का जिसका नाम होता है इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। वो इनेमल सिर्फ एसिड इसको डिकम्पोज करते हैं, वाटर में वो सोल्यूबल नहीं हो सकता, तो उसके कारण से टूथ डिके स्टार्ट हो जाते हैं। टूथ डिके द पीएच ऑफ आवर माउथ when started to reduce from 5.5, यानी lower than 5.5, then this acidic nature, क्योंकि माउथ में 5.5 से लेस होगा क्या होगा एसिडिक नेचर होगा, दिस एसिडिक नेचर डिकम्पोज द इनेमल। इनेमल क्या है, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो हमारे टूथ के ऊपर प्रेजेंट होता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही होता है इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। डिकम्पोज द इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, इट डज नॉट डिजोल्व इन वॉटर। ये इनेमल वाटर में डिकम्पोज यानी डिजोल्व नहीं होता, इसको सिर्फ डिकम्पोज कर सकता था कौन, कर सकता है एसिड, और एसिड हमारे माउथ के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है,
हमारे माउथ में काफी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही हम फूड गेन करते हैं उस फूड के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है। शुगर को जैसे ही डिकम्पोज किया जाता है तो बैक्टीरिया शुगर से रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, और जब माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से लेस हो जाती है तो माउथ एसिडिक हो गया, और उस एसिड के कारण से इनेमल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर इट स्टार्ट टू डिकम्पोज, और उसके डिकम्पोज होने से हमारे टूथ डिके गिरना शुरू हो जाते हैं। एक रोग भी हो जाता है, डिजीज, जिसको बोलते हैं डेंटल प्लेक, डेंटल प्लेक। तो ये था हमारा टूथ डिके। उसी के बाद है कुछ एनिमल्स भी अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, या एनिमल्स पीएच जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। समय समय पर वी आर स्टंग बाय हनी बी और बी अदर इंसेक्ट, कई बार हमें आंट चींटी है वो काट लेती है, बी स्टिंग कर लेती है, तो हमें इरिटेशन होती है, स्वेलिंग आ जाती है। कारण क्या है? ये जब बी स्टिंग करती है तो स्टिंग के साथ हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, वो एसिड जिसका नाम होता है मिथियोनाइक एसिड, जिसके कारण से हमें इरिटेशन होती है और स्वेलिंग आ जाती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को एक माइल्ड बेस बेकिंग सोडा से, माइल्ड मतलब थोड़ा सा गीला करके बेकिंग सोडा, तो न तो इरिटेशन होगी और न स्वेलिंग आएगी। सेम इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर, जैसे स्टोमेक में एचसीएल है, एचसीएल प्रेजेंट है, एचसीएल एसिडिक है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, एक्सेस अमाउंट में तो पेप्टिक अल्सर मतलब इनर ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है। तो उससे बचने के लिए हम बॉडी के अंदर एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड क्या है? जैसे नाम बता था, इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें यूज करते हैं। तो आप यही डाल सकते हैं, एंटासिड इज यूज टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ एचसीएल, दैट एंटासिड नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके जस्ट बाद आप लिखेंगे पीएच इन एनिमल्स, व्हेनेवर वी स्टंग बाय बीज और आंट्स, दे इंजेक्ट इन आवर बॉडी एंड एसिड। ये जैसे स्टंग करते हैं, स्टिंग करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड को इंजेक्ट छोड़ देते हैं, दैट इज कौन सा? मिथियोनाइक एसिड। ड्यू टू दिस एसिड वी फील इरिटेशन और स्वेलिंग, पेन होता है, पेन इरिटेशन एंड स्वेलिंग। टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ दिस एसिड वी यूज ए माइल्ड बेस, क्या नाम? बेकिंग सोडा, एंटासिड इसमें यूज करते हैं, एंटासिड कौन सा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg(NO)2। तो इसमें बेकिंग सोडा। इसी प्रकार से प्लांट भी एसिड रिलीज करते हैं। व्हाइल वी आर गोइंग टू ए फॉरेस्ट, जब हम जंगल में एक्सीडेंटली जंगल में जा रहे होते हैं, तो एक्सीडेंटली वी आर टच विद ए प्लांट, नेटल प्लांट लीव्स, और अचानक हम नेटल प्लांट के लीव्स के टच को, सेम उसी प्रकार से पेन इरिटेशन स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? नेटल प्लांट के लीव्स के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम होता है मिथियोनाइक एसिड, सेम वही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो इरिटेशन, पेन और स्वेलिंग आ जाती है। ये एक नेचर का वरदान है, जहां नेटल प्लांट ग्रो करता है उसके साइड में एक दूसरा प्लांट और ग्रो करता है जिसका नाम होता है डॉक, DOCK। इस दो प्लांट के लीव्स को यदि हम रब कर लेते, जहां पर नेटल प्लांट एक्सीडेंट टच कर गया था, तो वहां हमारी इस इरिटेशन से, पेन से, स्वेलिंग से हम बच सकते हैं। तो इसका मतलब नेटल प्लांट की नेचर एसिडिक, डॉक प्लांट की नेचर बेसिक होती है। तो वी कैन न्यूलिफाई आवर सेल्फ फ्रॉम दिस एसिडिक एंड बेसिक
नहीं चल। अब कुछ हमारे बॉडी एसिड, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनमें एसिड कौन सा होता है, जैसे कि विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिंड, इमली, टार्ट्रिक एसिड। ऑरेंज, लेमन, सिट्रिक एसिड, आंट और बी स्टिंग करती हैं। तो एसिड कौन सा छोड़ती हैं? मिथियोनाइक एसिड। इसी प्रकार से नेटल प्लांट, नेटल प्लांट्स के लीव्स में मिथोनाइक एसिड। क्लियर?